I'm mama. अब नहीं लेगा। ले रही हूँ। बुआ का लाड, ओए ओए बुआ का लाड, ओहो हाय राम। आजा। क्या मिल गया जिनोए को? अरे ओला भाई, बुआ भी राजी हो जाए। ओ ओए, अब कहाँ चल रहे? ओए शूज पहन ले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। देखा बुआ भतीजे का प्यार, इतनी देर से उस पेपर के साथ खेल रहा था ये, और जैसे विनीता आई एकदम मचा दिया, पेपर दिया फेंक और बस बुआ की गोदी जाना है। देख लो इतना समझदार हो गया ये, और रियल है ये, सबसे ज्यादा प्यार करता है ये विनीता से, बोलता भी बुआ है, अगर कुछ बोलेंगे ना बुआ बुआ बोलते ही हंसेगा और बोल भी देता है बुआ ऐसे करके। तो अभी बज गए हैं 9:15 और वीडियो स्टार्ट हो गई है 9:15 बजे। अब देखते हैं क्या बनता है दिन भर, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बने रहिएगा वीडियो में। और तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम उसको अपने फ्रेंड को छोड़ने गए थे घर, और वापसी में आते हुए हमारे साथ क्या हादसा हुआ, तो वो मैंने इस वीडियो में ऐड किया है क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो इस वीडियो को पूरी देखना, पूरा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। रास्ते में ऐसा हुआ कुछ, बस बुरी तरह से डर गए हम, मैं और विनीता। तो चलो फिर देखो ये आज की वीडियो, करो एंजॉय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो भी लगे, 2-3 क्वेश्चन भी हैं इसमें, देखती हूँ कौन कौन पूरी वीडियो देख के आंसर देगा उन क्वेश्चन के। और अगर चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अच्छी ना लगे वीडियो तो भी, और लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। चलो फिर देखो, हमने इसको यहाँ छोड़ दिया, अभी यहाँ से आगे अपने आप चली जाएगी, फ़ोन भी आ गया उसका। तो एक बार यहाँ खड़े रहते हैं जब तक वो घर में ना घुस जाती। लग रही है अभी अभी तक, देखो ये रोड के बीच में खड़ी है। मेरे को कह रही सर्दी लग रही, मेरे को तो नहीं लग रही सर्दी, जबरदस्ती क्यों बोल रही है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इसकी बातें। अब वीडियो में पता नहीं दिखेगा कि नहीं, आ गया कौन है बाहर गेट पे। देखो ये भाई बिल्कुल जूम हो गया ये, और ये खड़ा है मोटा लाला, ये है मोटू, इसके हस्बैंड है। गेट के ऊपर स्वागत के लिए रेडी हैं, और ये पहुंच गई अभी, देखो 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 भूत, ये पहुंच गई है और अभी चली गई घर के अंदर। बहुत गंदा वो रखा है। चली गई वीडियो। हाँ, हो गई। ठंड तो है मान लिया, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी ये कह रही है। हाँ, इतनी ठंड जितनी आपकी इसमें नहीं रुकेगी। मेरे को ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल। पता है इसका क्या है, जब हल्की हल्की ठंड शुरू होती है ना, ये कुछ ओढ़ती है ना, कुछ पहनती है, फिर इसको हो जाता है जुकाम। हर साल का है इसका यही, और इस साल भी इसको जुकाम हो गया। तो बुरे वाले डर गए सच में। हमको लगा हम तो गए। इधर बोले सॉरी, सच में भाई मुझे लगता है मेरी पायल की छमछम सुन के वो डर गए होंगे, वो खोल के देख रहे होंगे कि रात को 12 बजने वाले हैं, कौन आ गया, वो तो नहीं आ गए कहीं। और फिर हम डर गए, धड़ाम आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, उनके दरवाजे की आवाज़ थी एक्चुअली, वो लोहे का दरवाजा था, अभी तक धड़का।
धक धक विनीता की तो बातें अधूरी रहेगी, बाद में बताऊंगी, थोड़ा सांस ठीक हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सांस ठीक हो गया मेरा। तो मैं क्या कह रही थी, विनीता का बता रही थी मैं, जुकाम हो जाता है इसका हर साल का यही है, तब ये फिर पहनना शुरू करती है जब इसको जुकाम हो जाए अच्छे से। और अब की बार इसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया जुकाम, और अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है। तो अब इसको लगता है कि सबको ठंड लगनी चाहिए। तो ठंड हो चुकी है, अब तो लगनी चाहिए। अभी ठंड कब होगी, जब बारिश हो चुकी है, और क्या चाहिए। देखो जी, आप लोग भी बताना, ये बात सही है कि नहीं, अभी बारिश होने लग रही है, मतलब हो चुकी है आज, हल्की सी हुई है बारिश। जब बारिश हो जाए, होके और बादल बादल हट जाएंगे, हवा चलेगी, तब ठंड शुरू होगी। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए अभी है ठंड, तो जवान है, जवानों को खा ठंड लगती है। मैं बुढ़िया नहीं हूँ, ठीक है, मैं जवान हूँ। देखो ये इसका सबूत है कि मैं जवान हूँ, क्यों मैं, आप लोग बताना जो मेरी वीडियो को सीरियसली देखते हैं पूरी, तो वो इस डायलॉग का जवाब ज़रूर देना। अभी मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम डर गए थे। ऐसा नहीं है कि मुझे चलने से कोई दिक्कत हो रही, क्योंकि डर गए थे हम। तो डरने के बाद तो किसी की भी सांस उखड़ जाएगी, हार्ट फेल भी हो सकता है। बस बस तो ये था, चलो बहुत हो गई है बकवास। अभी घर आ गया है, सब सो चुके हैं, इसलिए घर जाने से पहले शांत हो जाते हैं और चुपचाप घर के अंदर घुसते हैं। नहा के आ गई हूँ, बाल बाल धो के, और ये देखिए विनीता का कंबल चेंज हो गया आज। आज इसने मोटा कंबल निकलवा लिया है, और मोटर चालू है पालने की। ये देखिए ये सो रहा है। और पानी आ गया है सप्लाई वाला, तो उसकी भी मोटर चालू है। लाइट जला देती हूँ, पीने का पानी भर लेते हैं अभी। और मशीन चलाई थी विनीता का, जो विनीता के जो पतले वाले कंबल थे ना, वो एसी कंबल होते हैं, अभी तक वो ओढ़ती थी, वो पारो लगी थी तो दोनों निकले हुए थे। आज वो दोनों धो दिए हैं, और अभी वो उसमें से एक कंबल विनीता के बेड पे बिछा देंगे, ताकि इसको ऊपर से और नीचे से कहीं से ठंड ना लगे, कंबलों के बीच में दबा देंगे इसको। और ये देखिए मैंने भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है, नहा के और मैं अपना सूट धो के ले आई हूँ, शिनोई के भी है इसमें। तो अभी मशीन में जो कपड़े धुले हैं इनको निकाल लूँगी, कंबल हैं, कुछ और भी दिख रहे हैं कांच छोटे मोटे, और इनको मैं स्पिन कर दूँगी। चलिए फिर मैं निकाल लेती हूँ एक बार। हो गई हूँ रेडी, बाल धोए थे आज तो, बस थोड़े थोड़े गिले हैं अभी, सूखने ही वाले हैं। और कपड़े भी निकाल दिए हैं, और मेरे वाले कपड़े भी स्पिन हो गए हैं। अभी बनाऊंगी चाय, टाइम हो गया है 12:30। ये देखो ये निकाल दिए हैं, और ये हो गए हैं स्पिन। ये देखो इधर उधर फेंक दिए मशीन ने, साइडों में चिपका दिए बिल्कुल। देखो सिनोए के शूज़ भी धो दिए मैंने इसी में, स्पिन कर दिए, देखो साफ़ हो गए ना बिल्कुल। चलिए फिर इनको भी निकाल लेते हैं।